चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर सत्र पूरा न चलने का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसे लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है और सत्र पूरा न चलने देने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया है और सार्थक चर्चा न करने का आरोप लगाया है। आम जनता के बीच जो वर्षाकालीन सत्र होगा उसमें हम सरकार के खिलाफ जो उनके घोटाले हैं कारनामे हैं अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। इससे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भयभीत हो गई क्योंकि उनके घोटाले ने खुले। जब प्रदेश की जनता के सामने नया आए तो उन्होंने सत्र बहुत छोटा रखा और उस सत्र में भी साजिश रच के प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया, फिर सत्र समाप्त कर दिया। जो सत्र होता है उसमें तो बात रखते नहीं है, फिर कहते हैं सत्र बड़ा कर दो। हल्ला मचाने के लिए सत्र नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें ये ध्यान रहे कि जो सत्र है एक बार तो कभी सार्थक चर्चा करके दिखाएं। जब चर्चा की बात आती है तब हल्ला करते हैं, तब पलायन करते हैं, मुख्यमंत्री तक का तो भाषण सुनते नहीं।